पार्टी ने जब तक तुसी मैनू एंट्री की सेवा दिती है असी सारे काम जिन्ने हो सकते सीगे जेड़ा मैनू सेंटर ने पैसा दिता सीगा वो सारा लग चुके है और सारिया जिहड़ियां सड़कां बनवाउण वालियां सी वो भी बन गई है ते बन रही है। जेडे भी कैंसर दे मरीज सीगे उन्हां सारिया नूं 3.5 लाख रुपया दिता गया इलाज के लिए। जेडे अंगहीन सीगे उन्हां नूं भी साइकल कन्नां दीआं टूटियां जां जिहड़ी भी चीज सीगी वह भी दित्ती गई है। सो मेरा मतलब कहण दा है कि असी सारा काम अपना पूरा कर लिया असी इलेक्शन दे लई तैयार है क्यों करके टाइम से असी जेड़ा पैसा सेंटर तो मिलिया सी ना मजहब नूं देख लिया ना जात नूं ना पात नूं देख लिया सारे वर्गां नूं अपने अपने लोड़ दे पसंद चीजा दे दी है। जिहड़ा किसान मोर्चा है जिन्ने भी साडे शहरी व्यापारी है पेंडू लोग ने इन्हां सारिआं नूं सपोर्ट करना चाहीदा क्यों करके ए मंगां दे नाल पंजाब नूं होर खुशहाल बना देना हैगा किसानां ने। ते सेंटर दी सरकार दुकानदारां दी है फिर ट्रेडर्स दी है फिर जमाखोरी वालिआं दी है ए किसानां नूं ते पेंडूआं नूं ए लोक समझ नहीं सके जिहड़ा कि बहुत खतरे की गल है। हुण जब दा रूस दा ते यूक्रेन दा जंग लग्या ओही इलाका हैगा जिथे कणक यूरोप दे विच बीजी जांदी है पर 2 सालां तों कणक उत्थों आ नहीं रही ते सारी दुनिया दे विच कणक दी घाट हो गई है। और जे सेंटर किसानां दी गल नहीं मनदा जिवें लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिता सी जय किसान जय जवान ए ना जवान नूं जानदे है उन्हूं भी 4 साल की नौकरी देती है जेड़ा कि जवान बिलकुल अनफिट है अगे लड़ाई करन नूं ना एह किसान नूं जानदे है कि है। किसानां दी मंग है कि MSP नूं कानून बनाया जावे जिहड़ी ओदी करजी हैगी है वो माफ किते जान जिवें सर छोटू राम ने 1947 तो पहला छोटू राम जी साडे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सीगे उन्होंने सारे करजे माफ कर दिते सीगे। ते फिर जिहड़ी स्वामीनाथन रिपोर्ट है उस नूं लागू किया जावे। लोकी शक पाउंदे है कि पार्लियामेंट दे विच कानून बनने है पर अजे तक पार्लियामेंट भंग थोड़ी हुई है सो तां अजर्न हुई है। किसे वेले भी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर दे कहण दे उत्ते पार्लियामेंट नूं बुला सकदा है ते सारे कानून पास हो सकदे है फिर क्यों कॉल हो रही है मैनूं समझ नहीं आउंदी। 55 इंची दा छाती कहिंदे ने मोदी कर किसानां ते बहुत तशद्दुद होया तुसीं जाके भी आए पता भी लैके आओ किवें देखदे हो कि जिहड़ा उत्थे बार्डर बना चुके ओह पाकिस्तान इंडिया दा बार्डर तों बाद पंजाब ते हरियाणा दा बार्डर बन चुकिआ। पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर लद्दाख ते हिमाचल दे 2 जिले चंबा ते कांगड़े का बॉर्डर बन गया सारा एक अलग देश बन गया। मानसर लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब ते 2 जिले हिमाचल प्रदेश कितने ना कितने धड़ेबंदी उभर के संघर्ष नूं ठेस पहुंचा रही है कितने ना कितने संघर्ष कर रहे हैं जिथे बंदियां दी जिहड़ी आपसी कितने ना कितने खिचोतान है
संघर्ष नूं कमजोर कर रही है, की कहना उन्हां बारे तुहाडा? इन्हां नूं नहीं करना चाहीदा ना, और सारे नूं इकट्ठे हो के जंग दे विच शामिल होना चाहीदा है। असी तां बयान भी दे चुके हां, उहदा फर्क भी पिया है। कई जथेबंदियां ने हां दा नारा भरिया, तां असी चाहुंदे हां कि सारे किसान यूनियनस ओह सारे इकट्ठे होके हल्ला मारन इक वारी, ते जिन्ना चिर बैरियर रोके उन्ना चिर गड्डियां दे विच किसान दिल्ली चले जान जंतर मंतर, ते उत्थे अपना कैंप लाई जान। मार कुटाई की जिवे माता दे दाग हुंदे आ ना, उस तरह दे छातियां दे उत्ते किसानां दे लगे हुए है। एक दे सिर दे विच गोला वज्जिया, उस नूं पीजीआई भेजिया गया। एक दी अख फुट गई है, मैं सारे मिलके आया। एक अपना शरीर छड गया, ओनू मैं पटियाले दी मोर्चरी दे विच मिलन जा रहा सी, पर जेड़ा उस किसान दे यूनियन दा प्रधान सीगा पटेड़ी दा, ओने कहा तुसी अंदर नहीं जा सकदे। मैं कहा साथ साथ मैं तां सिर्फ उस नूं सरोपा पाउणा है ते अरदास करनी है, ते होर मैं कुछ नहीं करना। मैनू नहीं पता कि एक किसान यूनियन ने मैनू ओ मिर्चिक दे क्यों नहीं देखन दित्ती हैगी। सो मेरा मतलब किसान जिहड़े हैगे है उहनां नूं भी थोड़ा जिहा नरम दिल रखण, कि जिहड़े तुहाडे सिंपथाइजर्स है, जिहड़े तुहाडे नाल चलदे है, उहनां नूं किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहीदी। मान साहब, कितनियां सीटां ते आपां इलैक्शन लड़ांगे? कल मीटिंग हुई सी, असीं सारियां 14 सीटां ते लड़ांगे जी, ते करनाल दी सीट भी क्लियर हो गई है कि करनाल की। कोई परिवारक मैंबर भी तुहाडा इलैक्शन लड़ रहे हैं जी इस बार? मेरा नहीं चल जी। मान साहब, लोकसभा चोणां बरूहां ते है, जथेबंदी ढांचे दी मशकां शुरू हो चुकी है। अपने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दी जथेबंदी ढांचे दी मजबूती लई असीं होर की अगे करन जा रहे हैं? देखो, असीं तां सारे फंड्स वंड दित्ते, हरेक पिंड दे विच इकाइयां बना दित्तियां, वेड़िआं दे विच इकाइयां बना दित्तियां, सारे पासे ऐ बिलकुल धागे परोए हुए है। असी बिलकुल तैयारी कीती हुई है, कोई कमी नहीं। जिला परिषद सरपंची ते जिन्ने भी अहुदेदार है ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਤੇ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਭੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ NSA ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ। किसान संघर्ष ने रूपरेखा बदली है। मान साहब, किसान संघर्ष ने अपनी गल पगाउण लई रूपरेखा बदली है। पहला जान ज्यादा लाए जांदे सी, हुण जिहड़ा इस वारी एजेंडा है उह टोल प्लाजे माफ कीते जा रहे ने। तुहाडे मुताबिक जाम ज्यादे लगने चाहीदे ने जां जिहड़ा टोल है सारे धुर तक जे संघर्ष करना तां इही वी रखने चाहीदे ने? की होना चाहीदा लोक परेशान ना होण? जिहड़े किसानां दी मंग है जायज़ है, टोल प्लाजे नहीं होने चाहीदे। जो वेजा होम मिनिस्टर हरियाणा का जी, ओहदे ते कतल दा केस चलना चाहीदा, जो करके उसने सारा कुछ कराया है। असी अपने वकीलां दी राय लै रहे हैं जी, कि जे आम पार्टी कतल दा केस ओहदे ते दूसरे हरियाणा दे पुलिस दे उत्ते नहीं करूगी, फिर असी थाने दे विच सगासा करांगे।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰੋਲ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਵਾ ਤੇ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਵਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਵਾ ਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰਵਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀ ਕੱਲ ਰੂਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਾ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ